ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। आज आप सभी प्यारे बाबा के तपस्वी मूर्ति, बाबा के अव्यक्त वतन में इमर्ज हो, जहाँ आप सबका वतन में बाबा तथा देवता है स्वागत कर रहे हैं। स्वागत किस बात का है कि आप सभी ने मीठे बाबा का जो श्रीमत का अथवा जो बाबा एक बाबा का जो वृत्त है, उस वृत्त को, मंत्र को सदा जीवन में पालन किया है और ऐसी अलौकिक जीवन में आप सभी अलौकिक बाबा से सर्व संबंध जोड़ और उनके याद के अति खुशी आनंद में रहते हो। तो आज आप सबका यहाँ नहीं, मैं तो वतन में देख रही हूँ, कितना बाबा आप सबको वतन में जितना प्यार कर रहा है उतना स्वागत कर रहा है, प्यार का स्वागत है। हम समझते, आप हर एक भी अनुभव करते होंगे कि कितना हमें बाबा प्यार दे रहा है। जो किसी को जीवन में ना मिलता सो हमें मिला। भाग्य विताता भाग्य का सितारा खोला और उसी भाग्यवान आप बच्चे हो, ऐसे भाग्यवान बाबा के लाडले सर्व ब्रह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पांडवों की आज विशेषता है, पांडवों का विशेष वतन में स्वागत। पांडवों की जो गायन है कि सदा बाबा के शक्ति साथ विजयी रहे हो, पांडव माना ही विजयी, जो अभी गीत और कविता में भी सुना। तो विजय का नगारा आप सबके दिलों का और सभी के दिलों में उमड़ रहा है। तो हम तो पहले तो कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह कितना हम आपका दिल से बार बार शुक्राया कहें, जो ऐसे अपने नैनों के नूर प्यारे रत्नों को आज स्वागत कर रहे हो और नैनों से सभी को वरदान दे रहे हो, समाय भी रहे। तो बाबा हमें कह रहा है, बेटी ऐसे हमारे पांडवों का आप स्वागत के साथ, सौगात के साथ क्या देवे,
इनाम दियो, इनाम आज आप सभी इनाम के पात्र हो। जिन्होंने भी ये व्रत पालन किया है उन को आज 21 जन्मों का 21 जन्मों की बादशाही लेने का 21 साल से लेके कितने साल हुए, तो जिन्होंने 21 जन्मों का अधिकार लेने लिए 21 सालों से तपस्या किया है और ऐसे तपस्वी मूर्त तपोवन में आए हैं, उनों को तो जितना बाबा स्वागत कराए उतना थोड़ा, और जितनी आप सबका सम्मान हो, स्वागत हो अथवा मुबारक हो। तो ऐसे आज भी बाबा ने तिरंगा, भारत का तिरंगा झंडा है, बाबा ने तिरंगे बच्चों को कितना तिरंगे ग्रुप को प्यार दिया। तो आप सभी को आज स्पेशल, हम समझती हूँ हमारे इस 64 सालों में पहली बार है जो आप सबको आज सोना इनाम मिलेगा। सोना मेरे को दियो, बैच दो, क्यों सभी बाबा सिंधी में कहते सोन पुट माना गोल्डन बच्चा, और चल रहे हैं गोल्डन एज में, इसीलिए ये छोटा सा आप सबको जो बाबा का बहुत बहुत फेवरेट बैच है, छोटा सा वो आप सब सिल्वर जुबली वालों को मिल रहा है। हम देख रहे हूँ दूसरों की दिल ऐसे ऐसे हो रही है, काश हमारे को कब मिलेगा कब। अरे आज तो तपस्वी ये है गोल्ड बैच, सब गोल्डन जुबली, सिल्वर सो गोल्डन जुबली की ये बाबा का फेवरेट क्या पहनेंगे है। तो ऐसा आप सबको आज स्पेशल स्वागत की सौगात मिल रही है, जो आज दिन तक कभी नहीं किसको मिली। इसको कहते हैं ये गोल्डन तावीज है, कहा जाता है प्लीज तावीज को दिल में सदा रखना और माया से बचे रहना, और इसको ऐसे संभाल के रखना कि कहाँ किसकी नजर न पड़े। ऐसी चीज को तो छिपा के दिल डब्बी में रखा जाता है। हाँ बोलो, तब सवेरे कहा था आप लोगों को बाबा ने स्पेशल सौगात दी है, दादी ने नहीं, बाबा के परमिशन से आज आप सबको
मिल रही है, जो अनेक बाबा के बच्चे बूंद 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 से ये सब जमा करते, किसके लिए? आप हमारे पांडवों को वो सब मिला है। हमें खुद वंडर लगता, बहनों को अभी तक नहीं मिला है, पहले हमारे पांडवों को मिला। ये है इस ड्रामा के अंदर। बोलो भाई, बहनों को दिया है? नहीं, आप सबको स्पेशल मिल रहा है, क्योंकि आप पांडव हो ही स्पेशल, इसलिए ऑल इंडिया से पधारे हुए हमारे योगी तपस्वी ऋषि बाबा के ब्रह्मा कुमारों को ये सौगात आज लाइन में मिले। भाई ये सबके लिए प्यारी सौगात है, बोलो है? ऐसी सौगात कभी मिली सभी को? कभी नहीं दादी। फिर और दूसरी सिल्वर जुबली है, तो ये तो बाबा की गुप्त जमीन। और फिर अभी आप सब योगी फरिश्ते हो, तो फरिश्ते की निशानी है सफेद सफेद, तो ये सफेद शाल भी सबको मिलेगी। बड़ी बाबा खातरी कर स्पेशल बनवाई है सफेद भाई। मैं कहती ये आप लोगों के लिए स्पेशल बन के आई है, अभी आई है, थोड़ा स्पेशल बनी है, पहले नहीं थी। ये सबको बाबा के बेकरी का बिस्कुट का पैकेट। अरे भाई मुनि, अच्छा मुझे जहाँ तक ख्याल है कि आप लोग कहीं बाजार से बिस्किट तो लेके खाते नहीं, इत्तेफाक कोई घर में बनाते, तो बाबा के पांडव भवन के बेकरी से ये स्पेशल बिस्किट बन के आया, सब स्पेशल। तो ये भी पैकेट मिलेगा सबको? हाँ? ये भी सबको पैकेट मिलेगा? सबको एक एक, एक बिस्किट नहीं है, पैकेट पांच है, पांच 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 जो है पांच पांच में पर में वो पांच पांडवों की पांच बिस्किट है दादी। ये सबको पिकनिक की प्लेट मिलेगी। अच्छा अभी? अरे भाई रात को भोजन नहीं करना है क्या? मैं प्लेट देख रही हूँ, देखो इसमें भी पांच चीजें हैं। पहला है समोसा, दूसरा है रस गोला, हे तू रस गोला मीठा, तीसरा है जो अभी केक काटा वो केक, चौथा है नमकीन भाई, भी नमक खाया जाता है, तो आगे मैं नहीं कहती, आप तो हो ही सफल करने वाले, ना कह रहा हूँ। तो ये है दाल मोठ, और फिर साथ में चटनी है भाई, पिकनिक है ना, तो मीठा नमकीन पांच सबको बैठे बैठे प्लेट मिलेंगे। पिकनिक की प्लेट जो है ना डायमंड हाउस में भी सबको, सब लोगों को मिली है जो देखने आए हैं। अरे भाई उधर इधर बाहर अंदर माइक पर डायमंड हॉल में ये हमारे टीवी पर सब देख रहे हैं। डायमंड हॉल में टीवी चल रही है, उसमें सब लोग पूरा प्रोग्राम, तो ए टू जेड सभी को जो भी आज 3000 खन है सबको आज पिकनिक की प्लेट मिलेंगी। अच्छा और फिर से आप सबका दिल से बाबा के सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहनों को भी, बहने आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है ना कि आज हमारे पांडवों का स्वागत हो रहा है, या यूं हो रहा है, खुशी है ना भाई? बहनों को भी आज खुशी है, हमारे पांडवों की जितनी आप स्वागत करो उतना थोड़ा। युगल माता, युगल माता है।
अच्छा भाई, हमारे पांडवों के साथ ये तो ड्रामा में अनायसे ही प्रोग्राम हो गया वैसे तो पांडव, लेकिन हमारे पांडवों के बीच कोई कोई बाबा की लवली बच्चियां साथी युगल कहो वे भी पहुँचे है सामने। तो हमारे पहला इधर इंदिरा बहन बैठी है, तो उनों का भी स्वागत, उनों को भी बैच मिलेगा, उनों को भी मिलेगा ना भाई। हाँ हाँ सब कुछ मिलेगा। हाँ हाँ उनों को जो खास आए हैं वैसे तो पांडवों की, पर आ गई शिव शक्तियाँ साथ में तो उनों को भी मिलेगा। इसलिए ऐसी माताएं नहीं कहे हमें तो पता नहीं हमें दादी ने, नहीं नहीं प्रोग्राम पांडवों का है, पर साथ में जो पहुंची है उनों का भी ड्रामा अनुसार स्वागत है स्वागत है स्वागत। ओम शांति। नलनी बहन कैसे लगती है वहाँ खुशी? अरे जरा उठ गए, यूं यूं तो करो, उठो 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 हल्की हो सभी को सामने से। हाँ अच्छा अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति। आपके ग्रुप को बाबा ने बहुत एक अच्छा नाम दिया है। क्या नाम दिया? नाम दिया है बाबा ने कहा ये ग्रुप जो है वो तिरंगा ग्रुप है। तिरंगा 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 झंडा तिरंगा ग्रुप किस लिए है? एक तो है बहुत बुजुर्ग प्रवृत्ति वाले, दूसरा ग्रुप है जो कुमार है लेकिन 20 वर्ष 25 वर्ष के है, तो ये दूसरा ग्रुप है पुराने कुमार। और तीसरा ग्रुप है मधुबन के चारों ओर वाले सरेंडर भाई। इसी तीन प्रकार के होने के कारण बाबा ने तिरंगा ग्रुप नाम रखा। अच्छा तो आज अमृत वेले आप सभी पांडवों का याद प्यार लेकर के बाबा के पास जाना हुआ, तो हमेश बाबा सामने से ही खड़े हुए दृष्टि देते हुए मिलन मनाते हैं। ऐसे ही आज भी बाबा ने सामने से मुस्कुराते दृष्टि देते कहा आओ बच्ची आओ, और अपने ऐसे बाहों में समा दिया। तो आप समा गए? आप सभी को आओ बच्चे बाबा कह रहा है और अपने बाहों में समा रहा है। तो बाबा ने पूछा कि क्या समाचार लाई हो, तो बाबा ने खुद ही कहा तो क्या आज मेरे ओल्ड सो रियल गोल्ड बच्चों की याद प्यार लाई हो? जितने पुराने को भी बाबा ओल्ड कहते हैं, ओल्ड माना बुजुर्ग नहीं, गोल्डन ओल्ड माना पुराने पुराने, तो पुराने ओल्ड को बाबा कहते हैं रियल गोल्ड। अब रियल गोल्ड हो पक्का रियल गोल्ड। अच्छा तो बाबा ने ये भी नाम दिया है ओल्ड सो रियल गोल्ड बच्चों की याद प्यार लाई हो। मैं मुस्कुराते बोली बाबा ये ग्रुप तो बहुत वैरायटी और सुंदर है, तीन प्रकार के आपके पुष्प है, एक प्रवृत्ति वाले पुराने बुजुर्ग, दूसरे कुमार बहुत पुराने, और तीसरे मधुबन के चारों तरफ के सरेंडर पांडव। बाप दादा सुनते रहे और बहुत मीठा मुस्कुराते रहे, जैसे बाबा के सामने
बाबा की दृष्टि से मालूम पड़ता है ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा के सामने टीवी में एक एक आता जाता है ना, ऐसे ही जैसे सभी बाबा के जो बच्चे हैं वो बाबा के नैनों में इमर्ज हो रहे थे और बाबा मुस्कुरा के बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे। बाप दादा के सामने सब इमर्ज हो रही है, बाबा बोले बच्ची बाप दादा को ये वैरायटी तिरंगा गुलदस्ता बहुत प्यारा, तिरंगा हुआ ना बहुत प्यारा है, देखो कितनी हिम्मत से, क्यों प्यारा है उसका कारण बाबा ने बताया है कि देखो कितनी हिम्मत से कोई न कोई आधार लेकर के बड़े उमंग उत्साह से निमंत्रण पर पहुंच गए है। कोई ने पोता लाया है, कोई ने बच्चा लाया है, कोई ने लाठी लाई है, मतलब कोई न कोई आधार लेकर के पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि मेरे बच्चे प्रवृत्ति में रहते, आपकी विशेषता सुनाई है बाबा ने कि प्रवृत्ति में रहते, दुनिया के छीछी वायुमंडल में रहते भी, छीछी वायुमंडल, दुनिया का तो वायुमंडल है ही छीछी, तो रहते भी इतने समय से 25 वर्ष से 30 वर्ष से इतने वर्ष से इस ब्रह्मण जीवन में अविनाशी और अमर रहे, जिंदा रहे है ना ब्रह्मण जीवन में तो अमर रहे है, इसको कहते हैं अमर क्यों रहे हैं, बाबा कहते हैं इसको कहते हैं बाप से दिल का सच्चा प्यार, ब्रह्मण जीवन से प्यार। बाप दादा को इस ग्रुप के अभी और विशेषता सुना रहे हैं, बाप दादा को इस ग्रुप के कई बच्चों पर बहुत नाज है, क्यों नाज है, कई बाबा कहते हैं इस ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर बाबा को बहुत नाज है। अच्छा, हाँ क्या विशेषता, हाँ ऐसे भी बच्चे हैं, बाबा ने सुनाया है कि ऐसे भी बच्चे हैं जो सेवा के स्थापना के समय आद में जब सेवा शुरू हुई, यज्ञ की बात छोड़ो, सेवा स्थान जैसे शुरू हुए तो सेवा के समय स्थापना के समय आद में जब वायुमंडल में हलचल थी, सहयोग देने वाले नहीं थे, क्रिटिसाइज करने वाले थे, ऐसे समय में सेवा स्थान खोलने में तन मन धन से निमित्त बने हैं, सेंटर चालू करने के निमित्त बने हैं, ऐसे भी इसमें बाबा कहते हैं। आवश्यकता के समय, उस समय तो आवश्यकता थी ना स्थापना की, सेवा के स्थान की, तो ऐसे आवश्यकता के समय निमित्त बनने वालों को बाप दादा भी समय समय विशेष एक्स्ट्रा गुप्त शक्ति देते रहते, क्योंकि वो गुप्त महादानी बने ना, तो बाबा भी गुप्त शक्ति देते रहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल बनने वाली आत्माओं को क्या होता है, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स की लिफ्ट रूप में मिलती, कमाल है आप लोगों की जो भी निमित्त बने हैं। इसीलिए विशेष सिल्वर जुबली मनाने लिए स्वागत करने के लिए खास बुलाया है, ऐसे कहते बाबा का ऐसे लगा जैसे बाप दादा के सामने वो आत्माएं जो निमित्त बनी है वह सब आत्माएं इमर्ज हो गई है और बाप दादा जैसे दिल में समा रहे हैं।
बार बार बहुत सिख व प्रेम से बाबा बोल रहे थे, मेरे लाडले बच्चों को कहना, अभी देखो बाबा क्या कहते हैं लाडले बच्चों को, लाडले बच्चों को कहना, जैसे अब तक दुनिया के मजबूरियों को ईश्वरी मोहब्बत से सहज पार किया है, सहज पार किया है ना, ऐसे ही अंत तक महावीर बन संपन्नता द्वारा उड़ते रहना। ये बाबा का आप सबके प्रति है, अंत तक भी ऐसे ही महावीर संपन्नता द्वारा उड़ते रहना, सदा अपने को क्या समझना, ट्रस्टी, अपने को ट्रस्टी और निमित भाव द्वारा। ट्रस्टी जो होता है वो सदा निमित होता है, मेरापन नहीं होता है। तो ट्रस्टी और निमित भाव द्वारा सर्व बंधन मुक्त बन, सर्व स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन में बिजी रहना। जैसे आदि में सेवा के निमित्त बने हो, ऐसे ही अंत तक। अभी बाबा ने तीन बातें आपके लिए खास ध्यान के लिए दिया है, अंत तक स्वचिंतन, शुभ चिंतन और स्व परिवर्तन द्वारा। तीन समझा, शुभ चिंतन और स्वचिंतन और स्व परिवर्तन द्वारा निर्विघ्न अचल अडोल स्थिति में चलते रहना। पीछे वाले सुन रहे हैं ना ध्यान से। उसके बाद बाप दादा कुमारों के ग्रुप को सामने देख खुश हो रहे थे। कुमार उठे थे ना, बाबा बोले कुमार जीवन में रहते इतना समय नहीं, कुमार जीवन में रहते कमाल की है, जो पवित्रता के पर्सनैलिटी में रहे माया जीत बन इतना समय याद और सेवा में चलते रहे। कुमारों की विशेषता है पवित्रता की पर्सनैलिटी। माया जीत बन इतना समय याद और सेवा में चलते रहे हैं। बाप दादा खास कुमारों को मुबारक दे रहे हैं कि वाह मेरे कमाल करने वाले सिकीलदे कुमार, अमर भव के वरदानी कुमार, वाह वाह वाह। अच्छा, उसके बाद बाप दादा ने मधुबन के चारों ओर के समर्पण पांडवों को याद किया और मीठी दृष्टि देते बोले, मधुबन वाले तो कौन है, खुश नसीब खुश निमा है, सदा खुश नसीब भी है, खुश निमा माना खुशी का चेहरे वाले, सदा अपने द्वारा सर्व को बाप का साक्षात्कार कराते संतुष्टता और प्रसन्नता का वरदान दिलाते रहो। संतुष्टता और प्रसन्नता, सदा तीव्र पुरुषारथी बन उड़ते और उड़ाते रहो। बाप दादा की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। ये मधुबन निवासियों की। अच्छा, ये है तीनों ग्रुप का याद प्यार मिला। अभी बाकी क्या रहा, मिल गया सब, क्या और बाकी क्या चाहिए, सौगात चाहिए, सौगात चाहिए, सौगात तो दादी देंगी शाम को जी। इस ग्रुप के लिए सौगात क्या ले जाएंगी, तो मैं मुस्कुराई
तो इतने में क्या देखा, एक सेकंड में ट्रे के अंदर बहुत जे ब्रिकुटी है ना, इस ब्रिकुटी को तख्त के रूप में दिखाया हुआ था। ये ब्रिकुटी है ना, इसको तख्त के रूप में दिखाया हुआ था और सजा हुआ, बहुत सजी हुई वो तख्त दिखाई दिया। उस पर आत्मा स्वराज अधिकारी के रूप में दिखाया, आत्मा ही तो स्वराज अधिकारी है ना। आत्मा ब्रिकुटी तख्त के चारों ओर से लाइट निकल रही थी, यहां वहां से लाइट निकल रही थी, जो विचित्र चीज लग रही थी। तख्त के दोनों तरफ लिखा था, अभी फिर सीखिया याद है, लिखा हुआ था सदा स्वमान और निर्माण के बैलेंस भव, समझा, स्वमान और निर्माण के बैलेंस भव, ऐसे सुंदर सौगात बाप दादा ने सबके प्रति दी और हम वापस आ गए। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा, ओ ओ ओ ओ ओ, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है, तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है, तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा, कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। नजर जिनकी सदा तुम पर
बसे जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर, बसे जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन, दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शे उसको, आता रास शे उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। खुशियों का सुर संसार